एमपी के राजगढ़ की डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निधि निवेदिता पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। बीजेपी वाले इन दोनों महिला अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन एमपी की कमलनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि दोनों अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद दोनों अधिकारी अपना बचाव कर रही थी। महिलाओं को अपमानित करना ये बीजेपी और आरएसएस की संस्कृति रही है। सरकार दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करेगी। क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एमपी के राजगढ़ जिले की डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा पर कुछ लोग हमला करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित रैली में गुंडागर्दी कर रहे इन लोगों ने एक बहुजन महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। प्रिया वर्मा के बाल पकड़कर खींचा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। लेकिन मनु की औलाद ये भूल गई कि वो बाबा साहब की औलाद से भिड़ रही है। डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने गुंडागर्दी करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक महिला अफसर और ऊपर से एक बहुजन बेटी के थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि बीजेपी वालों ने राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल और उसकी ट्रोल आर्मी ने टर्मिनेट प्रिया वर्मा हैशटैग चलाया, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुजनों ने बीजेपी वालों को बुरी तरह धो डाला। देश की बेटियों के सम्मान में बहुजनों ने हैशटैग प्रिया वर्मा जिंदाबाद को नंबर वन ट्रेंड करा दिया। अब बीजेपी वाले सोशल मीडिया पर गाली देते फिर रहे हैं, क्योंकि शायद इससे ज्यादा उन्हें कुछ आता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।